इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। क्या आप जानते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र का ये इलाका उस राजा की महानता का साक्षी है जिसने 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई को सैन्य सहायता प्रदान करने के साथ साथ अंग्रेजों से डटकर मुकाबला भी किया। झांसी ललितपुर राजमार्ग में मौजूद तालबेहट किला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। बुंदेली वास्तुकला से निर्मित यह 15 बुर्जों वाला किला एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इसका नाम दो नामों ताल मतलब झील और बेहट से आता है, जो एक जमाने में गौंड सरदारों का गांव हुआ करता था। दिलचस्प बात यह है कि किले से सटी हुई 500 एकड़ में फैली एक विशाल झील है जिससे किले को उसकी उत्तरी दिशा से सुरक्षा प्रदान होती है। माना जाता है कि एक अकाल के चलते कई ऋषियों ने यहां यज्ञ और उपवास किए जिसके कारण धरती में से यह तालाब उपजी और आज भी ये तालाब यहाँ के स्थानीय किसानों के खेतीबाड़ी में काम आता है। किले के निर्माण से पहले तालबेहट गोंड गुजर प्रतिहार और चंदेलों के कब्जे में था। किले प्रांगण के भीतर आपको चंदेल शासकों द्वारा निर्मित 3 मंदिर मिलेंगे जिनमें से 2 विष्णु और 1 शिव को समर्पित है। 17वीं शताब्दी के दौरान जब मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर जहांगीर बैठा तब उनके घनिष्ठ मित्र बीर सिंह देव को ओरछा का शासन दिया गया जिसके चलते बुंदेलों के राज के विस्तार के तहत तालबेहट की जागीर बीर सिंह देव के समसामयिक राम शाह को दी गई थी जिन्होंने इस किले की नींव रखी। इसके बाद सन 1618 ईस्वी में उनके पोते भरत शाह ने इस किले का निर्माण किया। 19वीं शताब्दी के दौरान तालबेहट किला बुंदेली सत्ता के डावाडोल का केंद्र रहा जिसके दौरान राजा मर्दन सिंह का नाम आज भी याद किया जाता है जिन्होंने युवावस्था से ही यहां की राजसत्ता संभाली थी। राजा छत्रसाल के 11वें वंशज राजा मर्दन सिंह चंदेरी के राजा मोर प्रहलाद के बेटे थे। अपने पिता के सुस्त मिजाज को देखते हुए राजा मर्दन सिंह ने सत्ता अपने हाथों में ली और अपने पिता को तालबेहट किले में रखा। माना जाता है कि उस दौरान अक्षय तृतीय के लिए पूजा के फूल एकत्रित करने यहां 7 महिलाएं आई थीं और मोर प्रहलाद ने उनको किले में बुलाकर अपने बागान से फूल तो दिए मगर मन बदलने पर उन्होंने उन महिलाओं पर अत्याचार किया जिसके कारण उन्होंने शर्मसार होकर यहां के दीवारों से लांग कर खुदकुशी की। जब राजा मर्दन सिंह को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने किले के मुख्य द्वार पर उन्हीं 7 महिलाओं के चित्र बनाने का आदेश दिया। इस त्रासदपूर्ण घटना के कारण आज भी तालबेहट किले के आसपास के गांव में अक्षय तृतीय नहीं मनाया जाता। यहां की औरतें किले में उन 7 महिलाओं के चित्रों की पूजा करती हैं और यहां के पुरुष औरतों के चरण स्पर्श करके उनकी पूजा करते हैं। सन 1857 की क्रांति के दौरान तालबेहट किला युद्ध का गढ़ बना जहां से राजा मर्दन सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सैन्य सहायता देने के साथ साथ राजा मर्दन सिंह ने किले की सुरक्षा और भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से बहादुरी से सामना किया मगर दुर्भाग्यवश मार्च 1858 में इस किले को अंग्रेजों ने युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त किया और राजा मर्दन सिंह को नेस्तनाबूद किया गया। आज तालबेहट किले के खंडहर बुंदेलों के उस गौरवशाली इतिहास के क्षणों को अपने भीतर समाये हुए हैं जो इस क्षेत्र की शान का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं।